जी आज का मौजू ये है कि क्या अंबिया इकराम को मालूम होता है कि उनका विसाल जो है वो कब होना है? जी हाँ, अंबिया इकराम को मालूम होता है कि उनका विसाल कब होना और कब नहीं होना। भाई जो अल्लाह के हास ओड़िया हैं उनको भी मालूम होता है कि मेरा मौत कब कब आ रहा है। तो वो तो फिर ये तो बात नबियों की हो रही है और नबियों के भी नहीं, ये तो इमाम अंबिया की बात हो रही है। तो भाई सही बुखारी के अंदर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस पाक है बुखारी की हदीस है, कि किसी नबी को जब उसका विसाल का वक्त होता है ज़हरी विसाल, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको पहले वो मकाम दिखा देता है जहां पर उन्हें जाना होता है। तो गोया अंबिया का विसाल से पहले उनको उनका मकाम दिखा दिया जाता है जहां पर उन्हें जलवा फरमाना है, वो मकाम जन्नत का, जिस मकाम पे, जिस जन्नत पे उन्होंने जाना है, अंबिया किराम को विसाल से कबल वो मकाम दिखा दिया जाता है बुखारी की हदीस। और दूसरी बात, हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहरा इस हदीस की सिर्फ रवायत रावी है, और वो क्या फरमाती है कि फरमाया अल्लाहुम्मा रफीकु आला, अल्लाहुम्मा रफीकु आला। तो फरमाया ये भी जो इशारा है कि अल्लाहुम्मा रफीकुल आला, ये भी इशारा जो था फरमाया कि ये भी विसाल का था। और तीसरा जो है सूरत फतह, इसके बाद फरमाया कि बेशक कामयाबी हो गई, तो फरमाया जब दीन के कामयाबी होगी तो इशारा था कि अब कामयाबी होगी, अब विसाल का वक्त करीब है। तो सूरत फतह जब आई ये भी इसकी तरफ इशारा था। और चौथा, जब आपका अलैहि सलाम हज्जतुल विदा के अंदर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया था कि आज मेरे सहाबा जिस तरह हम यहां पर सारे इकट्ठे हुए, आज जिस तरह हम तमाम सहाबा इस तरह हज्जतुल विदा में जब हुजूर ने खुतबा इरशाद फरमाया, तो उसने फरमाया कि ये आज जिस तरह हम जब है दोबारा हमारी इस तरह मुलाकात नहीं होगी इकट्ठे में। तो ये भी इशारा था। और दूसरा इशारा हज के मौके पर ये भी आपका दिन मुकम्मल हो गया, तो जब दिन मुकम्मल हो गया ये भी इस बात पर इशारा था। नंबर उसके बाद माफ भी, जबल को जब हजूर ने यमन की तरफ काजी बनाकर भेजा था, तो हजूर ने फरमाया था कि अब इसके बाद तुम्हारी मेरी मुलाकात नहीं होगी, ये भी इशारा। उसामा बिन ज़ैद को जब लश्कर भेजा, तो हुजूर ने फरमाया था कि अब मेरी तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। और ओहद के मैदान पर बुखारी की हदीस के, हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर शरीफ लगाया और वहां पर मिंबर शरीफ लेके गया, हुजूर ने फरमाया वल्ला मुझे इस बात का खौफ नहीं कि तुम मुशरिक हो गए, मुझे इस बात का खौफ नहीं कि तुम मुशरिक हो गए, लेकिन तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत आएगी। और आगे क्या फरमाया, वल्लाही ला नज़र इला रहो, फरमाया कसम है यहां पर हुजूर, यहां पर जलवा फरमाया, और हुजूर ने फरमाया ओहद मैदान पर, हुजूर ने फरमाया कि मैं होश को देख रहा हूं, मैं यहां पर होश को देख जलवा फरमा रहे हैं। और उसके बाद फरमाया कि मेरा आना और मेरा अंबिया किराम का आना और अंबिया किराम का दुनिया में आना, यह भी हमारे लिए बरकत है। और अंबिया, हुजूर ने फरमाया मेरा आना भी बरकत है और मेरा तुमसे पहले जाना यह भी बरकत है। फरमाया तुमसे पहले इसलिए जा रहा हूं बरसक के तुम्हारे मामला तुम्हारे लिए आसानी फरमा दिए। तो हुजूर का आना भी रहमत है, हुजूर का दुनिया से बाहर विसाल होना यह भी रहमत है। क्यों? इससे हमसे पहले जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम वहां पर हमारे लिए मदद, हमारी दस्तगीरी फरमानी है। हुजूर ने वहां पर अपनी दस्तगीरी फरमानी है। और उसके बाद हुजूर ने साफ बुखारी, हुजूर बुखारी के हदीस है, हुजूर ने खुतबा इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दे दिया है कि वो चाहे तो वो रब से मुलाकात को पसंद करे। तो कोई इस बात को नहीं समझा, अबू बकर सिद्दीक ने बात समझ ली और दौरान खुतबा फरमाया या सुल्ला मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो, और रोना शुरू कर दिया। तो हमने फरमाया कि आज तक ऐसा नहीं हो कि अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर के खुतबे के दरमियान कोई ऐसी बात के दरमियान में गुफ्तगू की हो, लेकिन आज ऐसा मामला क्यों हुआ? हमें बाद में पता चला कि ये बात अबू बकर सिद्दीक इस बात को समझ गए। और तीसरा, जब हुजूर आका अलैहि सलाम ने फातिमा ज़हरा तैयबा ताहरा को कान में लगा और बुलाया, और हुजूर ने फरमाया कि मेरा विसाल का वक्त करीब है, और फातिमा ज़हरा ने रोना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद दूसरी बात फरमाई कि फरमाया कि सबसे पहले तुम्हारी मुलाकात मेरी होगी, यानी मेरे अहले बैत में से सबसे पहले जो मुलाकात होगी तुम्हारी होगी, मेरी होगी। तो ये अंबिया इकराम को मालूम होता है भाई, जिससे खुदा नहीं छुपा, तो ये तो बातें बात की है, तो ये तो कुछ भी माने, जो खुदा नहीं छुपा, किसी नबी ने अल्लाह का दीदार नहीं किया, अगर दीदार का शर्म मिला तो हजूर की जाते पा, दीदार का शर्म मिला तो हजूर की जाते पा।
तो वो बेमिसल और बेमिसाल है, आपका रिसूल सलाम से कोई नहीं छुपा। और हजूर सलाम में बुहारी की हदीस है, हजूर सलाम जलवा फरमाया, हजूर के हाथ में दो किताबें हैं, दाएं हाथ में और एक बाएं हाथ में। अब बाएं हाथ दाएं हाथ में भी किताब है और बाएं हाथ में भी किताब है। और उन्होंने फरमाया क्या, साहब ने पूछा क्या, और उन्होंने फरमाया जानते ये किताबों में क्या, फरमाया इस किताब के अंदर जो जिसने जन्नत में जाना है उनके नाम भी हैं और उनके अमाल भी हैं, और उन जिस जिन्होंने जो नेकियां करनी है वो नेकियां लिखी हैं, और जिसने जन्नत में जाना है उन जंतियों के नाम, दूसरे अंदर जो दोस्ती है उन दोस्तियों के नाम लिखे हैं। अभी तो पैदा नहीं हुआ, और उसने फरमाया इसमें ना कमी ना ज्यादती हो सकती है, ना कमी हो सकती ना ज्यादती हो सकती। अभी तुम पैदा नहीं हुए, हजूर को यह भी मालूम है कि तुम्हारा नाम क्या है, और तुम जंतियों वाले अमल करोगे, और जंतियों वाले अमल करके जन्नत में पहुंचोगे भी कि नहीं पहुंचोगे। बास लोग जंती वाले अमल करते हैं लेकिन जन्नत तक नहीं पहुंचते। तो फरमाया ये भी मालूम है, अभी भी तुम कहते हो कि मुस्तफा पहले भी बचे कायनात, जाने कायनात, तकनीक कायनात, सारी कायनात अल्लाह ने हजूर की हाथे बनाई, आप हजूर के मकाम को समझे। अल्लाह फजल फरमाए, करम फरमाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलकर बटन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहे, आपके पास नोटिफिकेशन आए, ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी मिस ना कर सके। अल्लाह रसूल की रजा के लिए इसको शेयर करें, जो भी इससे इस्तफादा करेगा, जो भी समझेगा वो आपके लिए मेरे भी तो इंशाअल्लाह बनेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।